वॉट में आने के बाद आप ट्रस्ट वॉलेट में आ गए। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद प्यारे भाई आपने क्या करना है, बाइनांस पेग BEP20 नोट कर लीजिए। ये एड्रेस कौन से वाला है, ये सेकंड नंबर वाला बाइनांस पेग BUSD BEP20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आपने यही एड्रेस रखना है, अगर आपका नहीं इनेबल तो आपने यहाँ से इनेबल कर लेना है, लेकिन आपने इसी का एड्रेस लेना। मेरे पास इनेबल है, मेरी सारी अर्निंग भी इसी पर आती है। आपने भी इसी का एड्रेस जो है रिसीव यहाँ से कर लेना है कॉपी। अब मैं आपको इसका विड्रॉ लेके दिखाता हूँ कि ये मेरे ट्रस्ट अकाउंट में कैसे आएंगे बाइनांस से। सर मैं बाइनांस में गया, बाइनांस में जाने के बाद सर मैंने यहाँ पे किया क्लिक विड्रॉ पे। क्या किया, विड्रॉ पे क्लिक। BUSD है सर, BUSD है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो है सर। मैं यहाँ पे आता हूँ, सेंड विया वाई, ये कह रहा है वाई क्रिप्टो नेटवर्क सेंड वाई ईमेल फ़ोन पे ID। सर मैं कहता हूँ मैं क्रिप्टो के जरिए ही करना चाहता हूँ, पहले वाला आपने ऑप्शन करना है। अच्छा यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि एड्रेस दीजिए। सर कौन सा एड्रेस देना जो हमने ट्रस्ट वॉलेट के उसके रिसीव से हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया सेम एज इट इज़। नेटवर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये गलत हो गया तो आपकी पेमेंट एक सेकंड में भी उड़ सकती है और आप बेशक $200 का भी ले रहे हैं गलत हो जाएगी। BNB बाइकॉइन चेन BEP2 इथेरियम ये 20 और ये सेकंड नंबर वाला है BNB स्मार्ट चेन BEP20। सर हमने ऑलवेज यही सिलेक्ट करना है, कंफर्म करते हैं। BEP20 स्मार्ट चेन वाला आपने करना है वरना आपकी पेमेंट उड़ जाएगी। अच्छा मैं कितने डॉलर का लेना चाहता हूँ विड्रा, सर मैं मैक्सिमम का लेना चाहता हूँ 12.5 का ही मुझे दे दें, ठीक है। ये वजह होती है कि हम लोग आपके डॉलर्स ख़रीदते हैं, आप 2600 देते हैं, ये साढ़े, मैंने तो एक सेल परचेज़ किया ना कि फार्मली हम इतने से भी, तो मेरे पास तो एक दो डॉलर उधर पड़े हुए हैं तो मैं आगे सेंड कर दूंगा, वरना 13.5 से 14 डॉलर लग जाते हैं आपके अकाउंट एक्टिवेशन पे, ठीक है। तो आपको इसमें मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं आपको इसका विड्रा लेके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे करते हैं ये मैक्सिमम करने के बाद स्पॉट से फंडिंग विड्रा पे क्लिक करते हैं। वो कहता है जी कन्फर्म है, मैंने कहा जी कन्फर्म है। कहते हैं जी आप है, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ही हूँ। उसने कहा कन्फर्म करें सर। अब आप इसकी सिक्योरिटी चेक कीजिएगा सर, ये कह रहा है फिर से देख ले। मैंने कहा जी मैंने देख लिया है, आई हैव फुली अंडरस्टैंड टू ट्रेशनल रिस्क। वो कहता है अगर आपने गलत कर दिया ये गलत हो जाएगा, आप ओके उड़ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर उड़ जाएँ, क्योंकि मुझे पता मैंने वही एड्रेस किया है। कन्फर्म करते हैं सर। फिर ये कहता है सर आप अपना कोड चेक कर लीजिए, मैं आपका ही नंबर है सर, मैं आपके नंबर पर एक कोड भेज रहा हूँ, काइंडली आप उसको अगर वेरीफाई आप ही हैं तो उसको यहाँ पर पेस्ट करें। पेस्ट कर दिया। अब आप कहते हैं सर ये आपका ही जीमेल है ना, आपने ही दिया हुआ ना। सर आप अपने इस जीमेल पे जो है मैं एक कोड भेज रहा हूँ सर, उसको वेरीफाई करवाएं, अदरवाइज़ मैं सेंड नहीं होने दूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो अभी ये हमें एक यहाँ से मेल आएगी आपके सामने है, एक सेकेंड लीजिए, आ चुकी है सर बाइनांस। एंड यहाँ से आते हैं इसके अंदर सर, इनका ये कोड कॉपी करते हैं एंड वापस आते हैं सर बाइनांस में। यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट। क्या वेरिफिकेशन है, ये नंबर पे भी कोड भेजते हैं और ये जीमेल पे भी भेजते हैं। कितना सिस्टम सिक्योर है सर आप देख सकते हैं आपके सामने। रिक्वेस्ट सबमिटेड व्यू हिस्ट्री, ठीक है आप देख सकते हैं इसने जनाब ये मुझे विड्रा में पहले भी इसके ले चुका हूँ काफ़ी। एंड ये अभी कितना फास्ट होता है काम, इधर आते हैं ट्रस्ट में सर, देखिएगा एक सेकेंड, वहाँ से डॉलर्स जो हैं वो इशू हो चुके हैं। एंड अभी आप विद इन सेकेंड देखेंगे कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में वो कैसे आते हैं, बाइनांस में जाते हैं। पेंडिंग प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग है ना सर, ये आप ऊपर देख सकते हैं कंप्लीटेड। एंड नेटवर्क का इशू आ सकता है, हो जाता है मोस्टली, एंड वही आ रहा है अभी। ये अभी चले जाएंगे एक सेकेंड, सो इसको वापस आ जाते हैं एंड दोबारा से इसको ओपन करते हैं। लीजिए सर, ओके है सर, क्लियर है, ये आपके सामने है कितने रिसीव हुए हैं, ये रिसीव हिस्ट्री 12.62। इस तरह से आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी अकाउंट एक्टिवेशन किस तरह से करनी है, आपने फॉरसेज पे अकाउंट एक्टिव कैसे करना है।
आपने किस तरह से इसको खुद आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को पेमेंट नहीं सेंड करनी है, आपने किसी बंदे पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप फॉरफिट का अकाउंट कैसे खुद लगा सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे एक हौसला मिलता है कि यार हम लोग आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो काइंडली ये आप इसमें जाना कुछ नहीं, अंगूठा नहीं किसी का भी दर्द करता, तो सर इसको लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।